गाइस यार मैं कर रहा था आईपीएल ऑक्शन 2022 दिल्ली की तरफ से रियल क्रिकेट 20 में। तो गाइस यार हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, तो हार्दिक पांड्या को हमें बाय करना था। ओह माय गॉड, वाओ गाइस यार मुंबई तो रिलीज कर दी थी रियल में 2022 में, इसलिए हमने हार्दिक पांडे को बाय करने के लिए सोचा। लेकिन गाइस यार मैं हार्दिक पांडे को जब बाय करने के लिए ट्राई करने लगा, तो गाइस यार पूरी की पूरी टीम हार्दिक पांड्या के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। हार्दिक पांड्या की बोली गाइस यार 1100 लाख तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ गाइस यार 1100 लाख तक, और ये बोली कहां तक जाएगी चलिए देखते हैं। तो गाइस यार हार्दिक पांड्या बोली 1500 लाख पार कर गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब गाइस यार कितने तक जाएगी? गाइस यार हमें तो हार्दिक पांड्या को लेना है, चाहे हमारे जितना भी प्राइस लग गया हार्दिक पांड्या को पाने के लिए। तो गाइस यार हार्दिक पांड्या की यहाँ से देख सकते हो आप लोग बोली सर 2000 लाख पार कर चुकी है। तो अब हार्दिक मजा आया पांड्या को कहां से ले। तो गाइस यार यहां से लास्ट ट्राई मैंने कर ली है, देखते हैं हार्दिक पांड्या मुझे मिलते हैं कि नहीं। तो जी हां हार्दिक पांड्या गाइस यार यहां से सोल्ड होते हुए हमारी दिल्ली के लिए। तो अब देखते हैं एमआई रिटेन करती है नहीं। तो चलिए देखते हैं गाइस यार एमआई के क्या। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। थिंग्स है वो रिटेन करेगी या नहीं। तो एमआई ने गाइस यार जी हां एमआई ने नहीं किया है रिटेन हार्दिक पांड्या को। जी हाँ गाइस एमआई ने नहीं रिटेन किया है। तो हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं हमारी टीम कैपिटल की ओर से। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।